इनाया अली है और आज मैं मौजूद हूँ दी ऑस्किन पिज़्ज़ा पे जो कि मलिर जिना स्क्वायर में वाक़ है। मलिर जिना स्क्वायर की एक स्पेशलिटी ये है कि यहाँ पे जितनी भी स्टोर्स हैं वो 24/7 खुली रहती हैं और ये मलिर की पहली जगह है जो 24/7 खुली रहती है। लेकिन दी ऑस्किन पिज़्ज़ा जो है वो 3 to 3 खुला है। और तो चलिए इसको देखते हैं इसकी क्या स्पेशलिटीज़ हैं और इसको ऑर्डर करें। अगर आप चाहें कि पिज़्ज़ा को घर पर बैठे बैठे इन्जॉय करें तो आप इसको फूड पांडा से भी ऑर्डर कर सकते हैं और इनका डिलीवरी नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में मौजूद मिलेगा और इसकी लोकेशन जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मौजूद मिलेगी ताकि आप ईजीली यहाँ पर पहुँच जाएँ। वालेकुम सलाम। आज आप हमें क्या खिलाने वाले हैं? आज मैं आपको ऑस्किन का एंगर चिली बर्गर है, बहुत फेमस है, बहुत नाइस है, तो वो मैं आपको डिलीशियस बर्गर जो है आपको इंशाल्लाह ज़रूर खिलाऊंगा थोड़ी देर में। अभी उसकी हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, अभी हम उसको ब्रेडिंग करने जा रहे हैं और ब्रेडिंग करने के बाद उसकी फिर हम असम्बलिंग करेंगे, फिर उसके बर्गर को जो है कम्प्लीट करेंगे। ठीक है, अच्छा इस हवाले से जो है मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा कि बर्गर में हम सारी चीज़ें जो है अल्हम्दुलिल्लाह ब्रांडेड इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हम एक लोकल एरियाज़ में हमारा रेस्टोरेंट है, यहाँ पर हम काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो भी मटेरियल है या मटेरियल की जितनी भी चीज़ें तमाम आइटम्स हैं वो सारे ब्रांडेड होते हैं और इसी वजह से लोग हमारे पास यहाँ आते हैं और उनको पता चलता है कि हाँ यार एक चीप रेट के अंदर उनको क्वालिटी प्रोडक्ट यहाँ हम उनको डिलीवर कर रहे हैं, यहाँ हम उनको सर्व करने जा रहे हैं। थैंक यू। तो आप अपनी पर्सनालिटी के बारे में अपने आप के बारे में कुछ बताएं। जी हाँ, मेरा नाम मोहम्मद दानिश है और इस इंडस्ट्री में लगभग 20 साल से मैं काम कर रहा हूँ और स्टार्ट मेरा एक मल्टीनेशनल कंपनी से था और उसके बाद मैंने अपना एक्सपीरियंस को आगे बढ़ता चला गया, लेकर गया आगे, फिर उसके बाद मैंने पाकिस्तान की इस टाइम जो नंबर वन फूड चेन की कंपनी है उसमें लास्ट जॉब करने लगा। फिर आपको पता है कि एज़ यूजुअल कोविड में बहुत सारे लोगों ने अपना बिज़नेस को जो है बिज़नेस को बढ़ाया, कम किया, जॉब से जॉब लेस हुए, जो भी क्राइसिस रहे हमारे यहाँ वो हम सब जानते हैं, तो मैंने भी जो है वो उसी हवाले से है कि जो है जॉब को के बाद कोरोना के ही अंदर फिर मैंने उसको अपना इस बिज़नेस को स्मॉल बिज़नेस को पहले घर से स्टार्ट किया एंड देन फिर ये छोटा सा रेस्टोरेंट बना के अब मैं इस बिज़नेस को रन कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा यहाँ मेरी इसकी जिंगर की जो है ब्रेडिंग मैंने कर ली है, ऑस्किन चिली जिंगर इसका नाम था जैसा कि मैंने बताया। अब उसको हम ये जिंगर रैक में हम लगाते हैं और रैक में लगाने के बाद इसको 5 से 6 मिनट के लिए हम इसको फ्रायर में डीप फ्रायर में ले जाएंगे और उसको हम फ्राइंग के लिए स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तकरीबन 6 मिनट इसका टाइमर है और 6 मिनट में ये रेडी हो जाए। थैंक यू। बाद में आप हमारे व्यूअर्स को बताएं कि आपके पिज़्ज़ा में कौन सी स्पेशलिटी है। हमारे पास जो है इस टाइम 16 फ्लेवर्स अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं, तो इसमें से जो मैंने वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट और पिज़्ज़ा है हमारा जो बहुत रनिंग आइटम है जो कस्टमर्स भी हमारे बहुत लाइक करते हैं वो है तंदूरी ठंडर, तो वो मैं आज आपको ट्राई कराऊंगा, वो आपको मैं बनाकर भी दिखाऊंगा और इंशाल्लाह आपको सर्व भी करूंगा। और उसके लिए मैं सबसे पहले जो है पिज़्ज़ा सॉस इस्तेमाल कर रहा हूं, जैसे कि मैंने आपको बर्गर्स की वीडियो वगैरह में भी बताया था कि हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह यहां पर इस लोकल एरियाज़ के अंदर जो है ब्रांडेड आइटम्स, ब्रांडेड मटेरियल, ब्रांडेड तमाम चीज़ें जो हैं हम उसको यहाँ यूज़ करते हैं या सर्व करते हैं, बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो इसी तरीके से हमारे पिज़्ज़ा के अंदर भी आपको अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें जो हैं या सारा मटेरियल जो भी हमें आपके सामने यहाँ ऐड करने जाऊंगा इस पिज़्ज़े को बनाने के लिए वो सब ब्रांडेड होगा अल्हम्दुलिल्लाह, और जिसकी वजह से एक आपको अच्छा और एक बेहतरीन टेस्ट मिलेगा। और हमारा जैसे कि टारगेट ही यही है, हमारा यहाँ बैठने का मकसद, हमारा रेस्टोरेंट खोलने का मकसद ये है कि हम यहाँ मलिर लेवल पर लोगों को चीप प्राइस के अंदर एक हाई क्वालिटी प्रीमियम प्रोडक्ट यहाँ हम आपको सर्व करें, क्योंकि बहुत सारे आपको पता है महंगाई है, महंगाई का टाइम है, लोगों के पास इस टाइम लिमिटेड बजट हो गया, बहुत मुश्किल हो गया फूड इंडस्ट्री को भी कि उस टाइम उसको सर्वाइव कर सकें, तो इस हवाले से जो है मैंने यह पूरी कोशिश करी है कि एक अच्छी
और ब्रांडेड मटेरियल्स को लेकर यूज़ करें ताकि आपको एक अच्छा टॉप क्वालिटी प्रोडक्ट मिल सके, जिसके लिए आपको बहुत हाई प्राइस के अंदर मलीर से बाहर जाना पड़ता है। मलीर से बाहर जाकर आपको ये सारी सब चीज़ों को परचेज़ करते हैं। तो अब आपके मलीर के अंदर ही एक आपको ब्रांडेड ओरिजिनल पिज़्ज़ा, यानी कि ओरिजिनल वर्ड हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि इसमें जितने भी हमने मटेरियल इस्तेमाल किए हैं वो सब ओरिजिनलिटी बेसिस हैं। उसमें हमने ऐसा कोई भी नहीं है कि लोकल मटेरियल या लोकल स्टफ़ को इस्तेमाल किया, हरगिज़ नहीं है। सारा इसके अंदर जितना भी है, टॉप टू बॉटम मीन्स कि आपको नीचे से लेकर ऊपर तक पिज़्ज़ा बनाने तक जो भी चीज़ें मैं आपको यहाँ आपको दे रहा हूँ वो 101% अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि वो पूरी आपको ब्रांडेड आइटम्स या ब्रांडेड मटेरियल मिलेगा, जिसकी वजह से आपको पिज़्ज़ा जब बन के मिलेगा तो वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में होगा। ठीक है, अच्छा, जैसा कि आपने देखा मैंने पिज़्ज़ा सॉस लगाई है, उसके बाद मैंने आपको यहाँ ओनियन मैंने ऐड करी है। अच्छा, ओनियन के बाद हमारा तंदूरी ठंडर का जो है इसमें स्पाइस हम उसको ऐड करेंगे, जो कि हमारा होम मेड है, होम बेसिस मेड हम उसको तैयार कर रहे हैं। आपके सामने मैं उसको ये देखें स्प्रिंकल कर रहा हूँ, और ये इसके अंदर मैंने उसको ऐड कर लिया है। ऐड करने के बाद अब मैं इसके अंदर जो है चीज़ ऐड करने जा रहा हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि आपने वेट मशीन के ऊपर क्यों ऐसा बनाया? वैसे ज़्यादातर लोग ऐसा नहीं करते। हाँ, देखें हमारी जैसे लोकल इंडस्ट्री में या लोकल फॉर्मेट में अक्सर यही होता है, लोग जो है ना वो अंदाजे बेस प्रोडक्ट बना रहे होते हैं। मैं ये नहीं कहता कि वो गलत है, डेफिनेटली वो लोग अपनी जगह सही हैं, उनका एक्सपीरियंस है इस हवाले से जब भी वो ये काम कर रहे हैं। लेकिन उसमें अक्सर ये होता है कि आपकी कोई भी एक चीज़ या दो चीज़ या वॉट एवर जो भी मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं वो प्लस माइनस ज़रूर होगा, क्योंकि जब वेट मशीन बनी है या उसका जो मकसद है वो यही है ना कि आपकी हर चीज़ क्वालिटी बेस्ड हो। जब मैं उसको क्वालिटी बेस्ड प्रोडक्ट इसको मैं ऐड करूँगा तो मेरे कस्टमर को, हर कस्टमर को, बल्कि एक नहीं हर कस्टमर को, जो प्रॉमिस मटेरियल, जो प्रॉमिस मैंने उससे वादा किया है कि मैं आपसे जो क्वालिटी की कॉस्ट ले रहा हूँ वही क्वालिटी मैं आपको हर दफ़ा और वेट ग्रामेज करके मैं आपको दूंगा, और इसकी वजह से हमारा टेस्ट जो है आपको एवरी टाइम सेम मिलेगा, इसमें आपको प्लस माइनस नहीं हो सकेगा। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद जो है मैं आपको तंदूरी चिकन की जो है मैं आपको ऐड करने जा रहा हूँ। ये आप देख रही हैं कि ये मैंने तंदूरी चिकन की क्वालिटी देते हैं, तो इसमें आपका लॉस नहीं है। देखें, अल्हम्दुलिल्लाह हमें इसमें कुछ ना कुछ बचत है। डेफिनेटली जब भी हम इसको सर्व कर रहे हैं हमारा मकसद ज़्यादा मार्जिन पे नहीं है, हमारा मकसद है लो प्रॉफिट एंड हाई सेल। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारी सेल इतनी हो जाती है लो प्रॉफिट के अंदर कि वो हमारे लिए जो है इनफ होती है, तो ये हमारा मेन टारगेट है। ठीक है, उसके बाद मैं इसके ऊपर कैप्सिकम ऐड कर रहा हूँ। पिज्जा अभी से ही बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। ये आपने देखा मैंने चिकन ऐड कर दी, अब उस पर कैप्सिकम ऐड कर चुका हूँ। अब इसके अंदर लास्ट मटेरियल होता है हमारा एलिपिनोस, ये एलिपिनोस ऐड हो जाएंगी इसमें। यहाँ हमारा ये पिज़्ज़ा तैयार हो चुका है। अब हम इसको 6 मिनट्स के लिए, 5 to 6 मिनट्स के लिए अपने ओवन में ले जाएंगे। ठीक है, ये मैंने इसके अंदर इन किया और ये मैंने इसके ऊपर 6 मिनट्स का टाइमर अप्लाई कर दिया। ठीक है, ओके, यहाँ हमारा ये जो पिज़्ज़ा है आपको तंदूरी ठंडर ये तैयार हो चुका है। अब हम इसको पैन से हमने आउट कर दिया कि हम पैन पे ही रख लेते, स्पैचुला दो, स्पैचुला दीजिए। अच्छा, ये हमारा तंदूरी पिज़्ज़ा यहाँ तैयार हो चुका है। अब मैं आपको इसकी सॉस जो है इस सॉस का नाम क्या है? तंदूरी ठंडर सॉस, क्योंकि इस पिज़्ज़े का नाम ही तंदूरी ठंडर है। सॉस घर पे बनी हुई है?
ये होममेड सॉस है हमारी। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह जो भी सॉस यहाँ हम अपने रेस्टोरेंट्स में लोग कस्टमर्स के लिए फूड बनाते हैं वो हमारी सारी अपनी होममेड होती है। ठीक है, यहाँ हमारा ये पिज़्ज़ा रेडी है। ओके स्टार्ट। अब हम आपको एंगर चिली बर्गर बना सिखा रहे हैं। ये हमने इसके अंदर बर्गर सॉस ऐड करी है जो कि हमारी होममेड सॉस है। उसके बाद हम आपको एंगर चिली की ये बर्गर सॉस आपको दिखा रहे हैं। ये एंगर चिली की बर्गर सॉस है। ठीक है, उसके बाद हम इस पे आपको ये एलिबिनोज ऐड करेंगे जिसकी वजह से ये स्पाइसी और डिलीशियस बन जाएगा। अच्छा, मैं आपको बताना भूल गया, हमारी जो है होम डिलीवरी भी अवेलेबल है, जिसके लिए आप प्लीज़ हमारा नंबर नोट डाउन कर लें। आपको अगर ये ऑर्डर अच्छे लग रहे हो और आप मंगाना चाहें तो हमारे डिलीवरी नंबर पे कॉल करके हमसे ऑर्डर मंगा सकते हैं। हमारा डिलीवरी नंबर है 03-111-121-002। ठीक है, ये हमारा होम डिलीवरी नंबर है। मैंने जो ऑर्डर करा था वो आ चुका है। मैंने ऑर्डर करा था तंदूरी थंडर पिज़्ज़ा और एंगर चिली बर्गर। तो चलो उसको टेस्ट करते हैं कैसा है। हो चलो देखते हैं इसका टेस्ट क्या है। टेस्ट तो उसका बहुत ही अच्छा है। वो चीज़ है ना, उसके ऊपर जो भी सॉस डाली है उसका टेस्ट और भी इन्हेंस कर रही है। साथ में स्पाइसी भी है क्योंकि इसमें जलेपीनो डाला है। और लाजवाब टेस्ट है इसका। और ये लग भी रहा है कि कोई कोई बड़े ब्रांडेड जगह से हमने पिज़्ज़ा खाया है, बल्कि इसकी प्राइस बहुत ही रीज़नेबल है। तो चलो अभी बर्गर टेस्ट करते हैं। देख सकते हो ये असली में ड्रिपिंग हो रही है यहाँ से, मतलब इसमें खूब सारी चीज़ और सॉस है। तो चलो उसको अब टेस्ट करते हैं। बहुत स्पाइसी बर्गर है और आपको पता है मुझे स्पाइसी चीज़ें बहुत पसंद है। क्रंची क्रंची है और इसका टेस्ट ही बिल्कुल अलग है। ऐसा है मैंने बर्गर कभी खाया ही नहीं है। देख सकते हो बिल्कुल क्रंची क्रंची लग भी रहा है। और पूरी ड्रिपिंग हो रही है, पूरी फुल है सॉस से ये तो। फिंगर लिकिंग गुड, देख सकते हो हम पूरा फिनिश कर लिए। हमने हमारी प्लेट भी ख़त्म हो गई है, हम इसको टेक अवे कर देंगे। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि सारी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। और जैसे कि आपको पता है कि डिलीवरी नंबर भी आपको पता है, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा ताकि आप अपने घर में फ्रेश अच्छा और टेस्टी खाना आपके पास है। तो मैं आपको मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।